So guys, we just discuss on how we are going to print these star pattern. Okay, so previously we just discussed about the logic that how do you think about print generating such star pattern. So let's do practice. More we practice onto this, more we will become perfect. Okay, so तो आइडिया बड़ी सिंपल, एक बारी बस ये इन लॉजिक को लगाना, उनको समझना हमारे को अगर आ जाए तो इट्स वेरी इजी फॉर अस. अगेन आई विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट दैट प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट जस्ट थिंकिंग. हाउ डू यू थिंक? सो यू हैव सम फॉर लूप, यू हैव टू फॉर लूप, एंड इन दैट टू फॉर लूप यू हैव टू थिंक दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट दीज स्टार्स इन दिस वे. तो इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम, जैसे पहले वाले का लॉजिक अगर हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था, तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं. फिलहाल जो मेरे दिमाग में आता है वो सिंपली ये आता है, फॉर लगाया आई 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमें चार प्रिंट करने हैं तो 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3, देन आई प्लस प्लस, ये मेरा आउटर लूप हो गया. आउटर लूप मतलब ये रो, ये आई 0, ये I1, ये I2, ये I3, एंड इनसाइड दिस आई एम यूजिंग अनदर लूप जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 3 एंड जे प्लस प्लस, ये मेरा हो गया इनर लूप. एक बार ये आउटर लूप के अंदर में ये जे इक्वल टू 0 के लिए, दिस इज योर जे इक्वल टू 0, दिस इज योर जे इक्वल टू 1, दिस इज जे इक्वल टू 2 एंड जे इक्वल टू 3. तो इसको चलाने के लिए मैंने ये लूप ले लिया. ठीक है, अच्छा सिंपल सा प्रिंट पैटर्न हमको प्रिंट करना है, और पैटर्न हमें ये बहुत सिंपल सा लिया, और इसको बनाना हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था. अभी हम इसका एक प्रोग्राम बना करके भी देखेंगे कि वेदर इट इट वर्क्स और नॉट. तो एक तरीका से सिंपल सा सोचा हमने कि यहाँ पे 3 के बाद में यहाँ पे अगर मैं माइनस आई को इंट्रोड्यूस कर दूँ, सेमी कॉलन बाद में लगेगा, थोड़ा सा मैं उसको और क्लैरिटी से लिख लेता हूँ. 3 के साथ मैंने लिखा दिस थिंग इज योर माइनस आई, दिस इज योर माइनस आई, एंड देन आई एम सिंपली प्रिंटिंग प्रिंट एफ योर स्टार, एंड आफ्टर दैट वंस दिस इनसाइड लूप और इनर लूप विल गेट कंप्लीटेड आई विल कम हियर एट दिस प्लेस, और मुझे यहाँ पे एक न्यू लाइन प्रिंट करना है सो दैट मेरा कर्सर नई लाइन पर आ जाए, और नेक्स्ट बारी नेक्स्ट आई की वैल्यू के लिए मेरा जो प्रिंटिंग हो वो इस तरीके से स्टार्ट हो. इसका एक हम लोगों ने ट्राई रन करके भी देखा था कि लेट सपोज आई की वैल्यू 0 चल रही है, तो अंदर आएंगे जे इक्वल टू 0 से 3 माइनस 0 यानी कि 2, तो हमारे पास जे इक्वल टू 0 के लिए चलना है, जे इक्वल टू 1 के लिए चलना है, जे इक्वल टू 2 के लिए चलना है, और जे इक्वल टू 3, दिस इज आई 0, सो 3 माइनस 0 3, सो यहाँ तक हमें चलना है. तो ये तीनों स्टार प्रिंट हो जाएंगे, स्टार 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 स्टार, देन ये न्यू लाइन आएगा ये वाला, ये कर्सर को नई लाइन में ले आएगा. अब अगली बारी नई लाइन आई इक्वल टू 1 के लिए प्रिंट होगी, आई इक्वल टू 1 के लिए जब प्रिंट होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो इसका मीनिंग ये है कि इस बार 0 1 2 के लिए चलना है, 3 के लिए नहीं चलना. तो 0 के लिए चलेगा स्टार प्रिंट करेगा, 1 के लिए स्टार, 2 के लिए स्टार, 3 के लिए चलेगा नहीं, ये लोग सीधे बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर के न्यू लाइन प्रिंटिंग होगी और कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा, आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा. इसके बाद आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा तो ये हो गया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो यानी कि 0 के लिए चलना है स्टार और 1 के लिए चलना है स्टार, उसके बाद न्यू लाइन पड़ जाएगा और आप नीचे आ जाओगे. देन लास्ट चलेगा आई इक्वल टू 3 के लिए, आई इक्वल टू 3 के लिए चलेगा तो 3 माइनस 3 0, तो ओनली 0 के लिए चलना है, उसके बाद न्यू लाइन आ जाएगा, न्यू लाइन के बाद आपका बाहर वाला लूप भी खत्म हो जाएगा और आपका ये स्टार प्रिंट हो चुका होगा. ओके, सो दिस इज वन लॉजिक, बट मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इसी चीज़ को सोचने का दूसरा तरीका भी हो सकता है. कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 3 एंड देन आई प्लस प्लस, उसके बाद अंदर वाले लूप के लिए जे इक्वल टू 0, देन जे लेस देन इक्वल टू 3 एंड जे प्लस प्लस. यहाँ पे आई को इंट्रोड्यूस करने के बजाय नीचे कुछ इफ एल्स का सिस्टम लगा लेते हैं. अगर लेट सपोज मैं एक छोटा सा यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दूँ, इफ
if j greater than i, simply ऐसा अगर कुछ लगा दें, if j greater than i, so we will see that किस तरीके का पैटर्न आ सकता है. प्रिंट एफ, देन यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाए, दिस इज योर स्टार प्रिंटिंग. एल्स हम सीधे सीधे स्पेस प्रिंट करें, कुछ तो प्रिंट करना, तो हम लोग स्पेस प्रिंट कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद प्रिंट एफ स्लैश एन. ऐसा भी कुछ लॉजिक हो सकता है, ऐसी भी थिंकिंग हो सकती है. देखें ये थिंकिंग कितने काम कर पाएगी. तो इसको देखने के लिए हम लोग इसको इसको चला कर देखते हैं. तो मे बी सम स्टार पैटर्न, सम काइंड ऑफ स्टार पैटर्न विल बी प्रिंटेड, पर देखें किस तरीके का प्रिंट होगा. तो अभी ये आई ज़ीरो चल रहा है और ऊपर जे ज़ीरो, जे वन, जे टू और जे थ्री चल रहे हैं. तो आई इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए चल रहा है, आई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जे ज़ीरो से लेके थ्री तक चलेगा. ज़ीरो वन टू थ्री, ये वन है, टू है, थ्री है. एक्सक्यूज मी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, सो लेट मी ट्राई. जे ज़ीरो, जे वन, जे टू एंड जे थ्री. आई ज़ीरो, जे ज़ीरो, कंडीशन हुई जे ग्रेटर देन आई. आई भी ज़ीरो है, जे भी ज़ीरो है, तो अभी ये ग्रेटर देन वाला कंडीशन तो लगेगा नहीं, तो ग्रेटर देन वाला लगेगा नहीं, तो ये स्टार को प्रिंट नहीं करने वाला, स्पेस प्रिंट करने वाला. अब इसी चीज़ को थोड़ा सा कंडीशन को चेक कर लेते हैं. ग्रेटर की न जगह अगर हम लेस देन इक्वल्स टू आई लगाएं तो किस तरीके का प्रिंट होगा. अगर हम यहाँ पे ग्रेटर की जगह पे लेस देन इक्वल्स टू आई लगा दें, अभी आई ज़ीरो है, जे ज़ीरो है, आई ज़ीरो, जे ज़ीरो, कंडीशन हुई सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड हुई तो ये पड़े करेगा स्टार को प्रिंट. उसके बाद आई ज़ीरो है और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर करके बढ़ गई. अगर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के बढ़ी तो ये किस तरीके का पैटर्न कर रहा है, अभी भी गलत पैटर्न कर रहा है. थोड़ा सा और रीजनिंग कर लेते हैं, इसको ग्रेटर देन न करके इसको लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू. अब देखें तो आई ज़ीरो है, जे ज़ीरो, आई ज़ीरो, जे ज़ीरो, स्टार प्रिंट करेगा. देन आई तो ज़ीरो ही रहा, जे की वैल्यू बढ़ गई वन, तो वन ग्रेटर देन ज़ीरो, यस है, तो स्टार प्रिंट. देन जे की वैल्यू टू भी सेटिस्फाई करती है, थ्री भी सेटिस्फाई करती है, तीनों सेटिस्फाई करे, स्टार प्रिंट हुआ और आप बाहर आ गए. देन अब चला आई इक्वल्स टू वन के लिए. जब जे ज़ीरो होगा, जब जे ज़ीरो होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी. जे ज़ीरो है, आई वन है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो यहाँ पे हो गया स्पेस प्रिंट. स्पेस प्रिंट होने के बाद में जब जे की वैल्यू वन होगी, तो वन ग्रेटर देन वन, तो ये आपका सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये स्टार पैटर्न हो रहा है. आई इक्वल्स टू टू, दो स्पेस यहाँ पे, और आई इक्वल्स टू थ्री, तीन स्पेस यहाँ पे. तो देखो ये सिंपल सा लॉजिक लगा, और ये लॉजिक मेरा कुछ दूसरे तरीके का स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहा है. आई थिंक इसने ये जो बी वाला है, ये वाला स्टार प्रिंट कर दिया, तो बी वाला स्टार प्रिंट होना आसान हो गया. अब इसी में थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, इसी में थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर दें, तो देखें हम क्या नया पैटर्न बना पा रहे हैं. जी बिल्कुल बना पा रहे हैं. फॉर लगाया, आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन इक्वल्स टू थ्री, आई प्लस प्लस, अंदर आई फॉर, जे इक्वल्स टू ज़ीरो, जे लेस देन इक्वल्स टू थ्री, जे प्लस प्लस, अंदर आई. कंडीशन थी इफ, पहले हमने लगाया था, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने लगाया था जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई. अब अगर हम कंडीशन में लगा दें जे लेस देन इक्वल्स टू आई, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, और यहाँ पे प्रिंट कर दें प्रिंट एफ स्टार को प्रिंट करें, एल्स प्रिंट एफ स्पेस को प्रिंट कर दें. कर्ली ब्रेसेस खत्म, प्रिंट एफ, यहाँ पे आएगा न्यू लाइन और ये बंद कर दें. अब इसको देख लेते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं. आई इक्वल्स टू ज़ीरो, जे इक्वल्स टू ज़ीरो, जे इक्वल्स टू वन, जे इक्वल्स टू टू, जे इक्वल्स टू थ्री. कंडीशन हुई आई ज़ीरो चल रहा है, जे ज़ीरो से थ्री तक चलेगा. जे ज़ीरो चल रहा है, आई ज़ीरो, कंडीशन हुई ट्रू, ये स्टार पैटर्न कर देगा. जे की वैल्यू हुई वन, आई की वैल्यू ज़ीरो ही रही, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, यहाँ पे आएगा और स्पेस प्रिंट करने लगेगा ऐसे.
फिर आई इक्वल्स टू वन के लिए चलेगा, आई की वैल्यू हुई वन, जे की वैल्यू जब जीरो थी तो कंडीशन हुई सेटिस्फाइड, स्टार प्रिंट करेगा। जब जे की वैल्यू वन होगी तब भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो स्टार प्रिंट करेगा, जब जे की वैल्यू टू हो जाएगी तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। फिर आई इक्वल्स टू टू, दिस वन दिस वन दिस वन दिस, और आई इक्वल्स टू थ्री, दिस 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 दिस। तो अब आप देख रहे हैं बिल्कुल थर्ड वाला, जो तीसरा वाला जो स्टार पैटर्न है वो प्रिंट हो गया, ये वाला। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि तीनों तरीके के स्टार पैटर्न हम प्रिंट कर पा रहे हैं। जस्ट स्लाइट थिंकिंग वी आर इंट्रोड्यूसिंग, हम यहाँ पे भी कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको माइनस से फोर से ग्रेटर देन आई लगा कर करके, जे माइनस माइनस कर करके कुछ सोच सकते हैं, अंदर इफ एल्स की सिचुएशन डाल करके कुछ सोच सकते हैं, बट अल्टीमेटली कुछ भी लॉजिक लगाओ, कुछ भी थिंकिंग लगाओ, यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर रियल टास्क, और वो इम्प्लीमेंट क्या करना है, स्टार पैटर्न बनाना है। तो अभी इन्हीं का छोटा सा प्रोग्राम चला करके देख लेते हैं। देखो पहला वाला जो स्टार पैटर्न है उसको करने का सिंपल सा हम लोगों ने प्रोग्राम पहले से बना के रखा हुआ है, ऑल्ट एफ इसको करेंगे सेव और ऑल्ट आर रन करेंगे तो हमारा इस तरीके का स्टार पैटर्न हो जाता है। ओके सो पहला वाला स्टार पैटर्न करना था हमारा, सीधा सा लॉजिक लगा। अब जो बी वाला स्टार पैटर्न करना है उसका लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, और एक बार प्रोग्रामिंग की थोड़ा सा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बी वाला स्टार पैटर्न करना है तो हमारे को एक छोटा सा लॉजिक इंट्रोड्यूस करना है, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई। तो अगर ये वाला प्रोग्राम बनाना है तो हम फिर से थोड़ा सा बेसिक्स पे स्टार्ट करते हैं, ऑल्ट एफ करेंगे,